गाइस, गुड आफ्टरनून। वीडियो आप रिहैबिलिटेशन सेंटर से देख रहे हैं गाइस। लास्ट रिहैबिलिटेशन नशा मुक्ति केंद्र देहरादून। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और नशा मुक्ति से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी इसमें मिलेगी आपको। हम लोग किसी पेशेंट को लेने के लिए जा रहे हैं, उसके घर वालों का कॉल आया था हमको। वो बहुत बढ़िया लोकेशन है, आप देखो इसे। ये देहरादून से और नरेंद्र नगर के लिए बाईपास वाला रोड है गाइस, बहुत प्यारा रास्ता है। ये मंदिर है यहाँ जंगल में, इसका नाम है मनीच्छा देवी, यानी कि आपके मन के अंदर अगर कोई विश है तो यहाँ पे वो वाली देवी है जो उसे पूरा कर देती है। तो हमारी भी विश है हमारा काम पूरा हो जाए, बाकी ईश्वर की इच्छा। अल्कोहलिज्म और एडिक्शन गाइस एक बीमारी है, इस पर अभी हम लोगों के बहुत हायर लेवल पे बातचीत चल रही है, कहीं हाई कोर्ट में कुछ मसले चल रहे हैं, और अगर उस चीज़ पर हाई कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम 100% सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए रेडी हैं। वहाँ पे भी हमारी वकीलों के साथ बातचीत हो रखी है, और गवर्नमेंट भी है तो इस मसले को लेकर काफ़ी सीरियस। अब जो रिसेंटली सबसे बड़ा इशू आ रहा है गाइस, वो आ रहा है कि इस टाइम पे ब्राउन शुगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बच्चे, और इंजेक्टेबल ड्रग्स की तरफ को जा रहे हैं। मॉर्फिन वगैरह जो है इंजेक्शन में भी मिलती है, मॉर्फिन नॉर्फिन के इंजेक्शन मिलते हैं मार्केट के अंदर, कैंसर पेन में यूज होने वाले। इसके अलावा ब्रूपैक्स एटनॉक्स कई किस्म की मेडिसन्स हैं जिनको नशे के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज करा जा रहा बच्चों के द्वारा। तो थोड़ा सा इस वक्त पे क्या है कि नशे का मार्केट नशा ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि जैसे कम है, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कम हो रहा है नशा, बट हो नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, नशे की फॉर्म चेंज हो चुकी है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो थोड़े समय बाद दिखाई देंगे जब सोसाइटी के अंदर हमें पता चलेगा कि कई सारे बच्चे जो है डेथ की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन के नशे में ये भी एक प्रॉब्लम है गाइस कि ओवरडोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इमिडिएटली कई बार इफेक्ट करता है कई बार नहीं करता, और बच्चे ने अगर गलती से दोबारा ले लिया तो वो ओवरडोज एकदम से अगर बन गई कॉम्बिनेशन तो मरते भी हैं। तो देर सवेर हम लोग देखेंगे। मैं आपको अभी सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से एक चेतावनी दे रहा हूँ कि हाँ, इस वक्त पे इंजेक्शन का नशा करने लग गए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, जिसका एकदम से अभी इफेक्ट फाइनेंशियल बैंकरप्सी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पैसा कम ले रहे हैं वो घर वालों से बच्चे, मतलब 200 रुपये ले रहे हैं 300 रुपये ले रहे हैं, तो 200-300 रुपये में उनको कम से कम 4-5-6 इंजेक्शन अवेलेबल हो जा रहे हैं दिन भर में, और नहीं तो ब्राउन शुगर पीते थे तो 500 की एक बिट लेते थे छोटी सी, अब वो ख़त्म हो जाती थी तो उसके तुरंत बाद वो पैसा मांगते थे घर वालों से। तो घर वाले इस करके भी अभी इस वक्त पर शांत बैठे हुए कि उनको समझ में आ नहीं रहा कि नशा किस चीज़ का कर रही है। तो देर सवेर ये सारी चीज़ें भी खुल के आएंगी, और ये जो मेडिकल बेचने वाले होते हैं केमिस्ट वगैरह, इन लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, बच्चों के हाथ में ना दें इस तरीके की ड्रग्स ये लोग, क्योंकि अभी रिसेंटली रुड़की में भी कई सारी मौतें हुई हैं यार, 2-4-10 दिन पहले। अभी मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे पे है हमारा छोटा भाई है विजय, वो रुड़की का ही है और उसके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो वो आपको बताएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा उसे कवर करूँ। और ध्यान रखना आप लोग अपना और अपने छोटे भाइयों का, और इस तरीके के बंदों पे नज़र रखना जो इंजेक्शन वगैरह बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, क्योंकि बहुत सीरियस इश्यू होने वाला है गाइस आने वाले टाइम में। और अगर आप किसी को जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है तो मुझे कॉल करना, और बस बाकी सब बढ़िया, आप इंजॉय करो गाइस, सीनरी इंजॉय करो।
जगह है यार, बहुत प्यारी जगह है। नहीं ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।